फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने सेंसर को अच्छे से साफ करना है, ठीक है। और ये भी करना है कि आप जिस फिंगर को अपने सेंसर पर टच करते हैं उस फिंगर को भी अच्छे से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको इसे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के साथ हमारा डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये काम एक और करना है कि आपके मोबाइल फोन पे जो भी आपने फिंगरप्रिंट लॉक पहले वाला लगा रखा है ना, उस पहले वाले फिंगरप्रिंट लॉक को डिलीट करके एक नया फिंगरप्रिंट लॉक जो है सेट कर लेना है, ठीक है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पर टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे ऑप्शन शो होता है फैक्ट्री डेटा और रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा, फैक्ट्री डेटा और रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो अगले पेज में आपको सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।